गांव के क्या कहते हैं? उखुआ, मुखुआ। हाँ, यहाँ से रात तो रात है। ये ले लो बड़ा सा। कि कितना दूँ भाई साहब इसके? हाँ हो गया हो गया। नहीं नहीं बोलो। हजू घर लेने चाहिए। मैं काठमांडू लेके जाऊँगा। हाँ। नेपाल। हमी माथि गङ्गोत्रीबाट हर्सिल आयो। हर्सिलमा चाहिँ एकछिन रोकेको छौँ हामीले स्याउ हेर्नलाई। स्याउ हर्सिल के सेफ खतरा खतरा छ। यहाँ चाहिँ टिप्न चाहिँ मिल्दैन लोकललाई नसोधिकन। लोकलले त्यही पनि हामीले टिप्न दिनुहुन्न, उहाँले बाहिरै मात्र बेच्नुहुन्छ। दामी दामी छ ठुल्ठुलो। अनि यो स्याउहरू चाहिँ एकैचोटि बगानै बेच्छ अरे। 15 लाख 20 लाख यतिमा जान्छ अरे एउटा पुरै बारी नै खेतै। भित्र जाने ठाउँ छैन, भित्र पनि जानु पायो त मजा आउँथ्यो। दामी छ। अहिले जाने बेला किन्नु नि पर्छ है। ऊ त्यहाँ पनि हिमाल देखेर आज ठुला रे ठुलो छ त्यहाँ बगिचा र दामी अन्नै फल्दो रहेछ। मैले फर्स्ट टाइम स्याउको रुख देखेको है। मैले कहिले देखेको छैन स्याउको रुख। अन्नै फल्दो रहेछ र एउटै रुखमा टन्नै। बाफ्रे दामी छ दामी यार। ऊ यहाँ झन् रात रात रहेछ। यहाँ टिप्यो भने चाहिँ गाली गर्नुहुन्छ, बाहिर नै किन्न मिल्छ बरु। भित्र जान दियो। दामी छ दामी हो। टन्नै छ टन्नै। यहाँ चाहिँ जान दियो। बाफ्रे यार पातहरू चाहिँ केही हुँदैन रहेछ। दामी अच्छा है अच्छा है। टन्नै फलाएर रहेछ। यहाँ चाहिँ अलिक त्यति रातो चाहिँ रहेनछ। सवाल रमाइलो भयो यार यहाँ आउँदा त। यहाँ खसी पनि नारहेछ। यहाँ पनि खसिरहेछ। हाँ ए ठिक है ठिक है। आफ्ने आने दिए वही बहुत है। ये अपने आप घिरे और क्या है अपने आप? हाँ आपका आपका बगीचा है। हाँ अच्छा है आपका है छोटे भाई साहब का। आपका नाम क्या है भाई साहब आपका? रोबिन। हाँ अच्छा नाम है। ये गांव के क्या कहते हैं? उखुआ मुखुआ। हाँ मुखुआ अच्छा है। मैं म नेपाल बड़ा आगो नेपाल। चले चल चल चले। अच्छा शुक्रिया शुक्रिया रोबिन। मन त धेरै छ टिपेर खाउन खानलाई तर मिल्दैन। अहिले बाहिर त्यहाँ बाटोमा राखिरहेको छ त्यहीँ किन्नु पर्ला। यहाँ चाहिँ रातो रातो छ। हर्सिलमा स्याउ त सबै लानु सक्दैन होला, त्यही पनि एउटा ट्राई चाहिँ गर्नु पऱ्यो। नेपाल जानलाई टाइम अझै बाँकी छ। एउटा चाहिँ ट्राई गर्नुपऱ्यो खानालाई। आपका है? मुझे एक ही खरीदना है, एक पासो त
खाने के लिए एक ही खरीदा। हाँ मुझे अच्छे वाला एक दे, ये ले लो बड़ा सा। ये कितना दूँ भाई साहब इसके? हाँ हो गया नहीं नहीं बोलो ऐसा नहीं बोलो ना। मैं काठमांडू नेपाल से आया हूँ, मैं लेता पर मैं देर से जा रहा हूँ। शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया, थैंक यू। 40 भाई साहब शुक्रिया इसके लिए। 40 रुपये छो दिन भाई यार खुशी। यस भैया, वो उन्होंने मुझे फ्री में दे दिया है। मैं लेना चाहता हूँ नेपाल के लिए, पर मैं 3-4 दिन बाद जाऊँगा तो वो मैं ले लूँगा तो सड़ेगा नहीं? मैंने तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो मैं ले लेता हूँ। शुक्रिया। और मुझे 1-2 महीना तो बिग्रे बिग्रेन रे बोबाला मिर्छ यही लगेर जानु पर्यो। मैं घरमा याद हुन्छ नि। भैया सबसे मीठा वाला कौन है? सबसे मीठा वाला ये हो सकते हैं, ये ताजे हैं ना, ये 2-4 दिन रहेंगे तो मीठे हो जाएंगे बढ़िया। मैं नेपाल को नेपाल पे लगूंगा ये। कैसा लगता है? 300 रुपए किलो है। एक बार में विराम हुआ, क्या सीख हुआ, बीमार हुआ था। भाई साहब मुझे भी वो 2 किलो डाल दीजिए अच्छे वाला छान के। मैं काठमांडू लेके जाऊंगा नेपाल लेट हो जाएंगे। मैं 2-3 बाद जाऊंगा सो ऐसे डाल देना। 2-3 हाँ 2 किलो डाल देना, खराब नहीं होने चाहिए 2-3 बाद। इसलिए मैं ले रहा हूँ 2 किलो। गोविंद 15 रुपये दे दे। 15 रुपये भैया आपके माँ के लिए हम खरीदेंगे। नो, ये भी मैंने फ्री में खाया है आज। मैं खुद के हिसाब से खरीदूंगा, आपने कह दिया वही बड़ी बात है। सुन लिया ना जय किशन भैया, आपने कह दिया वही बड़ी बात है। मैं दिखाऊंगा माँ को जरूर। आपकी कोई चीज उन्हें पसंद नहीं आती है ना? या आपको पता है आज कुरा भन्दा चाहिँ मैले मम्मीले जहिले नि केही न केही लिएर लुगा या केही किनेर जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले कहिले मन पराउनु हुन्नथ्यो, त्यो कुरा भएको थियो नि, त्यही कुरा क्यास गर्नुभएछ। कितना हो गया? 90 दे दो। ये भी हमारे साथ पहले दिन से सफर कर रहे हैं ना। सोचे हाय भैया, चलते हैं। शुक्रिया, चलते हैं। चले 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 जाऊं जाऊं। चलो 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 चलो।